ये तो गजब दिख रहा भैया। नई सुबह नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इसी साथ पूछ लेते हैं कैसे हैं आप सभी लोग। आज मौसम बहुत बढ़िया है, सवेरे से जो है बारिश हो रही है धीरे धीरे, वातावरण जो है बड़ा ही आनंदमय वाला हो चुका है, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी क्या है, अपने को करना है वर्कआउट, तो वर्कआउट से पहले जो है मेरे को थोड़ा सा अपना हेयर का कुछ ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि एक तो आजकल ना पसीना बहुत हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत बाल बहुत अजीब से हो जा रहे हैं। ये है हमारे पास, ये क्या है पता है, समझ गए क्या है, ये है एलोवेरा। और एलोवेरा जो है मतलब इसके इतने सारे गुण हैं, इतने मतलब इतने फायदे हैं ना इसके अनगिनत, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता इतने सारे फायदे हैं एलोवेरा के। आप एलोवेरा का जूस पियो तो आपका पेट के लिए सही है, आपके किडनी लिवर हार्ट के लिए बढ़िया है, और एलोवेरा को आप स्किन पे लगाओ, आप बालों में लगाओ, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। और एलोवेरा का सोप भी आता है ना, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ आ रही है। देखो डिस्टर्ब करने के लिए तेल का बीच में आ चुकी है, मतलब इसको पता नहीं क्या बेचैनी है, क्या करने का है अपने को, इसको ऐसे खोलने का है, इसको हल्के हल्के ऐसे चेहरे पे भी लगा लेते हैं। और इस बार पता नहीं क्या अजीब सी गर्मी हो रही है, मतलब जैसे घमोरियाँ होती है ना, और मुंह पे भी हल्का सा ऐसे करो तो चुभ सा रहा है, और बालों में भी हो रहा है ऐसे। देखो ये मुझे पता है कि एलोवेरा से ना बाल बहुत बढ़िया हो जाते हैं, इवन अगर डैंड्रफ वगैरह भी है तो उसमें भी बहुत फायदा मिलता है, अगर रेगुलर यूज करेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। भाई एलोवेरा नहीं है तो एलोवेरा लगा लो भाई घर में, है ना, लगाओ बढ़िया चीज है। ऊपर तो बड़ी गजब की हवा चल रही है भाई, और बादल लगे हुए हैं, और रुक रुक के बारिश भी हो रही है, तो टेम्परेचर जो है बड़ा ठीक हो गया है। सामने नैनीताल की पहाड़ी और बादल लगे हुए हैं, और हरियाली हरियाली है भाई। ओए होए होए, ये देखो इधर पूरी जो है ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही होगी आपको, क्योंकि इधर जो है पहले लग गए थे धान, और इधर जो है अभी अभी कुछ दिन पहले ही लगे हैं, तो इसलिए इतनी हरियाली नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन बारिश ठीक ठाक हो गई, तो उससे क्या है खेतों में पानी भर गया, और धान की खेती तो भाई बिना पानी के तो हो ही नहीं सकती ना। मज़ा आ गया भाई वर्कआउट में, मतलब धांसू वाला वर्कआउट हुआ है। और एक चीज़ आज बताऊँ, मैंने आज से ना एक नई चीज़ शुरू करी है, जो मेरा वर्कआउट रेजिम होगा ना उसको मैंने शूट किया है, और उसको मैं डालूँगा शॉर्ट्स में। तो आपको अगर मेरा वर्कआउट रेजिम देखना है तो आप शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। वर्कआउट के बाद जो है बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, और उसके बाद जो है भूख लग रही थी बड़ी तेज की, तो लंच भी हो गया है अपना, और अब हम हो गए हैं रेडी, और रेडी होने के बाद अब हम निकल रहे हैं थोड़ा नज़ारों का माहौल का थोड़ा आनंद लेने के लिए, और थोड़ा मार्केट में काम भी है तो काम भी हो जाएगा, और इसी बहाने जो है थोड़ा आनंद ले लेंगे, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले लेंगे। जब से रोड सही हुई है ना तब से बाइक चलाने का बड़ा मजा आता है यहाँ पे, और दूसरा क्या है कि बरसात है तो इसलिए पूरी हरियाली हरियाली दिख रही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा ही अलग है भाई। नहीं नहीं दुकानें खुल रही है यार, सही है भाई, हमारा जवाहर नगर भी तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। ओहो भाई ये तो गजब दिख रहा भैया, तो पहाड़ टाइम बहुत हो गया, 3 बज गया है, पहुंचते पहुंचते 4 बज जाएगा उधर, हॉर्न दबाया और आवाज ही नहीं है, मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से। भाई बारिश में हो जाता है कभी कभी, लेकिन बारिश में ये भी तो होता है, ये हरियाली खूबसूरती भाई इसका मजा अलग है। कहते हैं ना हर मौसम का मजा लेना चाहिए, और ये जो पेड़ की जो डाले ऐसी लग रही है ना रोड की ओर, ये बड़ी खूबसूरत लगती है।
ये रही पंतनगर की बड़ी मार्केट, ये जो एरिया इधर वो लगती है बाजार लगता है। यहाँ पे चलते हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ शॉपिंग करनी है फिर को, हमें तो खैर करनी होती नहीं कभी भी। किधर है भाई? किधर 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 है? ये तो है। हाँ यही है। हाँ यही है। छोटी सी ट्रिप करके आ गए भाई, मैंने कहा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा ले लें, उसके भी मज़े ले लें, और ठीक रहता थोड़ा जो है मूड भी चेंज हो जाता है। अभी अपने को करनी है एडिटिंग, तो फटाफट उस पर लगते हैं और फिर देखते हैं। अगर मौसम तो खैर ठीक ही लग रहा है, अब उधर जाके देखते हैं, अगर कोर्ट के हालात हमारे ठीक होंगे तो बैडमिंटन खेल लेंगे, नहीं होंगे तो फिर देखेंगे भाई कुछ और कर लेंगे। अरे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया लड़की मेरा। एलेक्सा स्टॉप, वायरल होगा वायरल। बात ऐसी है ना, लड़की जो है मेरे को एक्सपोज करने लग गई है। मतलब आज देखो, हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य जो है जल्दी कर लिया, वो होता है खाना खाना। समझ, तो आज हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया था करीबन 8 बजे, तो पोहा खाया था बहुत हल्का सा, और उसके बाद तो फिर मैंने लंच किया 2 बजे, और फिर 4 बजे मैंने एक फ्रूट खाया था, और 6 बजे ना मुझे बड़ी खतरनाक वाली भूख लग गई स्वीटू, जबकि उस वक्त बोल भी रही थी कि मैं वो बना देती हूँ, क्या बना देती हूँ, क्या बना देती हूँ, सैंडविच। मैंने ना ना मैंने कहा ना भाई ना। उसके बाद जो है सीधे 8:30 बजे जो है मैंने सीधे डिनर किया है। इसने तो खैर जल्दी कर लिया था, और आज तो लड़की ने सीधे दलिया खाया है। दलिया पे आ गई भाई, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने कहा, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसे कहता हूँ तभी खाते, ऐसा नहीं है भाई। खुद ही मतलब खुद ही हेल्थ कॉन्शियस है तो अच्छी बात। बस ये है कि अभी वर्कआउट नहीं कर रही, क्योंकि वो बीच में जो है घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने कहा रुक जाओ भाई, कोई बात नहीं भाई। फिर करीबन आधा घंटा उसके बाद मैंने वॉक भी कर ली भाई, है ना। और उसके बाद भाई मज़े में है, मतलब फ्री ऐसा लग रहा है ना, जैसे हम स्कूल टाइम पे जब हमारे एग्ज़ाम हो जाते हैं फाइनल्स के, तो बस फाइनल पेपर दिया उसके बाद बच्चा, अरे भाई साहब ऐसा रिलैक्स मज़ा आता था क्या बताऊँ मैं, है ना। तो बस वैसा ही वाला फील हो रहा है, तो पहले दिन में ही मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सोचो अगर 1 महीना इसको ऐसा कर दिया तो क्या ही बात होगी। एक एक स्टेप करके चढ़ते ना, क्यों ऐसे डू थोड़ा आज के लिए इतनी कहानी काफी है। अब आपसे मुलाकात करते हैं कल एक नए ब्लॉग में, कुछ नए रोमांचक सफर पे आपको लेके चलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं।